again with another new session of success mantras. अगर successful होना है मुझे तो उसके लिए कुछ basic principles होते हैं जो कि follow करने चाहिए. In fact, follow करने ही पड़ते हैं. तो इन में से कुछ principles के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. आज हम जो principle discuss करेंगे वो है taking 100% responsibility of your life. यानी मेरे life में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसके लिए सिर्फ मैं और मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. मेरी स्थिति के लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है. देखिए क्या होता है, बीइंग ह्यूमंस हमारी ये टेंडेंसी होती है कि अगर मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही, जैसा रिजल्ट मैं चाहती हूं वैसा रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, तो उसके लिए मैं हमेशा दूसरों को ब्लेम करती हूँ. अब ये दूसरे कोई भी हो सकते हैं, ये मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरा कलीग हो सकता है, मेरा कोई फ्रेंड हो सकता है, मेरा बॉस हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है. और अगर कोई और नहीं मिलता तो फिर वो किस्मत हो जाती है. हम सारा दोष जो है वो किस्मत के मत्थे मढ़ देते हैं कि यार मैं तो इतनी मेहनत करता हूं लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है कि बार बार फेल हो जाता हूं. तो देखिए ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये तो सभी की लाइफ में होते हैं, लेकिन अगर यही डिसाइडिंग फैक्टर्स होते तो फिर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता था. अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे मेरी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने कंधों पर लेनी होगी. ये जो एक्सक्यूज देने की हमारी आदत है, ये आदत छोड़नी होगी. वो कारण बताने बंद करने पड़ेंगे कि कोई काम आप क्यों नहीं कर पाए. वो कारण बताने बंद करने पड़ेंगे कि आज तक आप जिंदगी में कुछ क्यों नहीं कर पाए. ये जो हमारी विक्टिम स्टोरीज है वो छोड़नी होगी, जिसमें हम विक्टिम होते हैं और पूरी दुनिया जो है वो हम पर अत्याचार कर रही होती है एक विलन की तरह से, जिसमें कि हम बेचारे असहाय से बेचारे से पड़े रहते हैं और ये पापी दुनिया हम पर अत्याचार करती रहती है. तो ये सारी चीजें जो है वो आपको छोड़नी पड़ेंगी. दूसरों की सिंपथी लेने की, सहानुभूति लेने की जो हमारी आदत है वो आदत हमें छोड़नी पड़ेगी. हम क्या करते हैं कि अपनी हर स्थिति के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की कभी कोशिश नहीं करते. और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो हम खुद हैं, हमारा एटीट्यूड है. तो सबसे पहले हमें हमारा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा. देखिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत करिए, वो संभव भी नहीं होता. अगर बदलाव लाना है, कुछ बदलना है, तो वो अपने अंदर लाइए. अगर आपको जिंदगी में कुछ अलग चाहिए तो पहले कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा. इफ यू वॉन्ट समथिंग डिफरेंट इन लाइफ देन फर्स्ट यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. कंटिन्यूइंग द सेम बिहेवियर एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल. तो अगर मैं ये डिसाइड करूं कि अब मैं मेरी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने ऊपर ही रखूंगी और मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी मुझे मिलता है, चाहे वो हंसी हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो हेल्थ हो या वो इलनेस हो, उसके लिए सिर्फ मैं और मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, कोई भी दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो जब ये आप डिसाइड कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो आप किस्मत की बात करते हैं ना, लक की बात करते हैं, वो लक खुद आएगा आपको फॉलो करते हुए और वो आपके साथ रहेगा, आपके साथ बना रहेगा तब तक जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते. तो ये जो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है, इसको अब एक छोटी सी इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम. यानी मैं अगर मेरी लाइफ में कोई भी आउटकम, आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, मतलब मैं अगर मेरी लाइफ में कोई भी आउटकम एक्सपीरियंस कर रही हूं तो वो इस बात का नतीजा है कि मेरे साथ में कोई एक इवेंट हुआ, यानी कुछ भी हुआ, और उसके रिस्पॉन्स में, उसके अगेंस्ट में मैंने रिएक्शन क्या दिया, रिस्पॉन्स क्या दिया, सब कुछ उस पर ही निर्भर करता है. यानी मेरी जिंदगी में मेरे साथ क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में मैं रिएक्शन क्या देती हूँ, सारी चीजें वहीं से बदल जाती हैं. तो अगर मैं मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जैसी मेरी लाइफ चल रही है, उससे मैं खुश नहीं हूं, तो दो तरीके हैं मेरे पास, दो ऑप्शंस हैं. पहला कि मैं खुश नहीं हूं अपनी जिंदगी से, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, ठीक है, तो उसके लिए मैं इवेंट को, यानी जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, उसको ब्लेम करूं.
अब आप इकोनॉमी को ब्लेम कर सकते हैं, सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं, वो तो सबसे आसान होता है, ठीक है। आप पैसे की तंगी को ब्लेम कर सकते हैं, पढ़ाई आपकी उतनी अच्छी नहीं हुई उसको आप ब्लेम कर सकते हैं, आप ब्लेम कर सकते हैं कि मुझे कभी किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, काश मेरे माँ बाप ने भी मुझे पैसे दिए होते तो आज मेरा भी अपना खुद का एक बिजनेस होता। लेकिन क्या दूसरों को ब्लेम करने से आपकी स्थिति सुधर जाएगी? क्या नहीं सुधरेगी। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि जो इवेंट हुआ मेरे साथ, यानी जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसके अगेंस्ट में मेरा जो रिएक्शन था, मेरा जो रिस्पॉन्स था, मैं उसको बदलूं, अपनी सोच को बदलूं, ठीक है। थिंक अबाउट योर थिंकिंग, यानी सबसे पहले अपनी सोच के बारे में सोचिए, उस सोच को बदलिए, अपने एटीट्यूड को बदलिए, अपने बिहेवियर को बदलिए। यही सबसे आसान तरीका है काम करने का। और आप ये देखेंगे कि जब आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, अपने बिहेवियर को बदलेंगे, और तब तक बदलते रहेंगे जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, तो कोई कारण ही नहीं है कि सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। 100% आप सफल होंगे ही होंगे। लेकिन देखिए, हम क्या कोशिश करते हैं, हमारा जो पूरा फोकस है वो कहाँ रहता है? वो इवेंट पर रहता है। हम हमेशा अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन क्या वो संभव है? नहीं, वो संभव नहीं है। इसीलिए अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो वो खुद को कंट्रोल करिए। अगर कहीं कुछ बदलना है तो वो बदलाव खुद के अंदर लेकर के आइए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके 10th के या 12th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और आपने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी आपका कोई एक एग्जाम बिगड़ गया, तो एक ऑप्शन ये है कि आप बिल्कुल हताश हो जाइए, बिल्कुल डिप्रेस हो जाइए, अरे यार इतनी पढ़ाई करी फिर भी एग्जाम बिगड़ गया, कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। और इस हताशा में, इस डिप्रेशन में आप अपने बाकी के भी सारे एग्जाम बिगाड़ दो। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये जो आपका एग्जाम बिगड़ गया, ये जो परिस्थिति थी, ये परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि अब आप और ज्यादा दुगने जोश के साथ पढ़ाई में लग जाइए, बाकी के एग्जाम जो है वो इतने अच्छे करिए कि ये जो आपका एक एग्जाम बिगड़ गया है उसका भी लॉस कंपनसेट हो जाए। तो जब हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो भी हो सकता है कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आए। जैसे कभी कभी हमारा ईगो हमारे सामने आकर के खड़ा हो सकता है, अरे यार हमेशा मैं क्यों बदलूं, सामने वाला भी तो बदल सकता है, या मेरे साथ जिंदगी में इतना बुरा हुआ तो मुझे क्या डिप्रेस होने का भी अधिकार नहीं। तो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जरूरी क्या है, इन चैलेंजेस को पेशेंस के साथ हैंडल करिए। इवेंट पर फोकस मत करिए, फोकस करिए अपने रिस्पॉन्स पर, उसको पॉजिटिव रखिए और फिर देखिए सफलता आपके कदमों में होगी। कोई कारण ही नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। तो ये सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं और अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए सक्सेस मंत्रा के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।